हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकिता। वेलकम बैक टू आवर चैनल लिव ब्यूटीफुल लाइफ। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करती हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं अपना किचन गार्डन शेयर करूंगी, तो आज मैं अपना छोटू सा किचन गार्डन शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के साथ एक डेजर्ट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बनाने में बहुत ही इजी है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो वीडियो को पूरा एंजॉय कीजिए। दोस्तों, ये है मेरा तुलसी का प्लांट, ये है मेरा मेन प्लांट। ये पूरा हरा भरा था, बट हम लोग जब वाशिंगटन DC गए थे तो ये उस वक्त ऐसा हो गया है। अगर आप लोग मेरा वाशिंगटन का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे देखिए। दोस्तों, ये है एलोपिनो प्लांट, और कितने सारे एलोपिनो हुए हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इसे देख के, खुद के गार्डन से कुछ तोड़ के बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग को कैसा लगता है अपने गार्डन से तोड़ के, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे तो 6 महीने तो विंटर होता है, इसीलिए कुछ भी लगाने से होता नहीं था, तो इसलिए हम लोग ट्रायल बेसिस पे अल्डी से सीड्स लाए थे और ये इतना सारा एलोपिनो हो गया। दोस्तों, अल्डी एक स्टोर है, इसका वीडियो मेरे चैनल पे है, आप लोग चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। ये है मेरा पम्पकिन प्लांट, और मैं ये सब फर्स्ट टाइम लगाई हूँ और उसमें से मैं पम्पकिन फ्लावर तोड़ूंगी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। कितना छोटा पम्पकिन प्लांट है और उसमें कितने सारे फ्लावर आए हैं, देख के ही मन भर जा रहा है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बनाना मालपुआ, और उसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा और 1 ओवर राइप बनाना, देन 1/2 कप शुगर, 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा। और ये गार्निश के लिए मैंने आलमंड लिया है, सेफ्रॉन लिया है और इलायची लिया है। देन इसमें मैंने लिया है बेकिंग सोडा, फेनल सीड, बेकिंग पाउडर और सूजी और सेमोलिना। देन मैंने यहाँ पे फूड कलर लिया है और 1 पिंच ऑफ सॉल्ट। देन यहाँ पे मैंने लिया है मिल्क, ऑयल एंड वाटर। इन सब चीज़ों को मिला के हम आज बनाएंगे बनाना मालपुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ओवरराइप बनाना को मैश करेंगे, और आप इसे ग्राइंड भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जो मैदा लिया था उसमें हम डालेंगे मैश बनाना, देन उसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, फेनल सीड, सूजी, ये सब इसमें डाल देंगे। देन हम डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर, ये ऑप्शनल है, मैंने यहाँ पे येलो फूड कलर लिया है। और यहाँ पे मिल्क डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और मिलाते जाएंगे एक साथ। अब ज़्यादा मिल्क मत डालिए, आप थोड़ा थोड़ा करके डालिए और मिलाते जाइए। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट लिया है ताकि वो स्वीटनेस को बैलेंस करे, और मैंने 1.5 टीस्पून शुगर लिया है, और इसको डाल के हम अच्छे से मिला लेंगे। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने लिया है 3/4 ग्लास ऑफ वाटर, और इसको हम डाल के पानी को थोड़ा गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। देन हम इसमें डालेंगे 1/2 कप शुगर। देन मैंने यहाँ पे लिया था जो इलायची और सेफ्रॉन, ये ऑप्शनल है, सेफ्रॉन आप चाहो तो डाल सकते हो, वरना नहीं डालने से भी चलेगा। इस
इसको 5 से 7 मिनट बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स ये कितने अच्छे से बॉईल हो रहा है, अभी हम इसे चेक करेंगे और इसमें हम एक ड्रॉप डाल के चेक करेंगे और ये अगर आप लोगों को एक तक दिखाई देता है तो हमारा शुगर सिरप रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स हम लोग का शुगर सिरप रेडी हो चुका है, इसको हम साइड करके मालपुआ को फ्राई करने के लिए ऑयल गरम करेंगे। अभी हम एक एक करके हमारा मालपुआ का बैटर इसमें डालेंगे और आप लोग धीरे धीरे डालिए ताकि वो अच्छे से फैल जाए और आप वेट कीजिए कि वो धीरे धीरे फूल के बड़ा हो जाए, फिर आप उसे पलटिएगा। इसको 3 से 4 मिनट पकाने के बाद, अच्छे से पकने के बाद आप इसे छान के शुगर सिरप में डिप करके इसे दोनों साइड 1-2 मिनट आप डिप करके आप उसे निकाल लेंगे। इसी तरह मैं अपने सारे मालपुआ को रेडी कर लूंगी और देखिए फ्रेंड्स ये कितने फ्लफी दिख रहे हैं पहले से ही ऑयल में, जब हम शुगर सिरप में डाल के निकाल लेंगे ये और ही सॉफ्ट और फ्लफी बन जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स ये कितने ही फ्लॉपी दिख रहे हैं और ये आप शुगर सिरप में दोनों साइड 2-2 मिनट आप डिप करके रखें और जब आप शुगर सिरप में डालेंगे तो शुगर सिरप थोड़ा वर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स मेरा मालपुआ रेडी हो चुका है, अब हम इसे गार्निश करेंगे। गार्निश के लिए लिया है मैंने शुगर सिरप ताकि इसमें एक अच्छा सा ग्लॉसी लुक आए, एक अच्छा सा साइन आए, इसलिए मैंने लिया है और उसके ऊपर मैं डाल लूँगी थोड़ा सा आलमंड। देन हमारा बनाना मालपुआ खाने के लिए अभी पूरा रेडी हो चुका है। आप लोग इस बनाना मालपुआ को घर में ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को बनाना मालपुआ कैसा लगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।